स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल YT टी लर्निंग एजुकेशन चैनल में आज हम आपके लिए ले, लेकर ले आए हैं वर्णमाला का टॉपिक इसमें हम वर्णमाला के बारे में बात करेंगे तो पहले हम जानते हैं कि जो हमारे वाक्य होते हैं वो किन किन से मिलकर बनते हैं इनको देख लेते हैं और देखिए इनका क्रम याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं देखिए क्र जो वाक्य होते हैं उनको कैसे बनाते हैं वाक्य बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वाक्य तो सार्थक इकाई होते हैं और वाक्य से छोटे क्या होते हैं उपवाक्य उपवाक्य से छोटे क्या होते हैं पदबंध पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द होती है और शब्द से छोटी इकाई अक्षर होते हैं स, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है इस क्रम को आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्रम कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य वाक्य से छोटे उपवाक्य उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध पदबंध से छोटी इकाई शब्द या पद और पद से छोटी इकाई अक्षर अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होते हैं अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मानक हिंदी वर्णमाला के बारे में उसमें हम देखेंगे कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं और लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा